और कितनी दूर जाना है? मैं क्या बताऊं? जस्सू काका ने रास्ता तो यही बताया था कि नहीं? हाँ, बताया तो यही था। थाने ठीक से याद तो है? रेगिस्तान में रास्ता खोजना आसान बात नहीं, जितना बताया था उतना तो याद है मुझे। कैसी तबीयत है हमारी सत्तू की? दूध वूध पिया कि नहीं आज? गुड़िया संग तो खेली थी ना? सवेरे से कुछ भी नहीं खाया इसने बैजी, बस ऐसी लेटी पड़ी हुई है। मैंने जो कल दवा दी थी वो पिला दी थी कि नहीं? हाँ, वो तो पिला दी थी। जोरावर, तू चल हमारे साथ बाहर चल। और बेटा, सत्तू जैसी थारी बेटी वैसे ही मारी, पर बीमारी का कोई और छोर ही पता नहीं चलता। हल्दी जी साहब पीड़ा रंग पड़ गया है, पर पीड़िया नहीं है, ताप भी नहीं है, सीना मां भी कोई नुकस नहीं। जोरावर, माने तो कुछ अजीब सा ही लागे, तू चाहे तो झाड़ फूंक करा ले, जस्सू से पूछ ले। क्या कहा बैद जी ने? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बताऊं लक्ष्मी, अब तो बैद जी ने भी जवाब दे दिया है। लगे सभी दवा करके देख ली, अब चाहो तो झाड़ फूंक भी करवा लो। झाड़ फूंक करो चाहे जंतर पूजा, 7 साल की होके पहली छोरी चली गई, अब कुछ भी हो जाए सब तो को नहीं जाने दूंगी। बैद जी कह रहे थे कि जस्सू काका से सलाह कर लो। जस्सू काका के झाड़ फूंक करे? झाड़ फूंक भले ही ना करता हो, और वो मानस तजुर्बेकार है, उसने तने पाल पोस कर बड़ा किया है लक्ष्मी, मुसीबत में उसके पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? जस्सू काका के पास जाओ या जंत्री बुलाओ, मने मारी बेटी सत्तो चाहिए बस। जय माता जी की काका। जय हो। आओ जोरावर, अब कैसा जी है सत्तो का? सत्तो की हालत में तो सुधार ही कोनी आ रहा काका। अच्छा, तो राम रतन वैद्य की दवा भी कोई काम नहीं आई? सब कुछ तो करके देख लिया काका, अब तो 3रा महीना भी खत्म ही समझो,
कल वैद्य जी कह रहे थे कि उनको भी बीमारी समझ नहीं आ रही। तो फिर अब क्या करने का विचार है बेटा? मैं क्या बताऊं काका, एक छोरी तो पहले ही चली गई और सत्तो का ये हाल है। लक्ष्मी तो रो रो के प्राण ही दे देवेगी। देख बेटा जोरावर, माने तो सत्तो की बीमारी वैसी ही दिख रही है जैसी बड़ी को हुई थी। वही उम्र है, वही लक्षण, सब कुछ वैसा ही है। पता नहीं क्यों उस वक्त ध्यान में नहीं आया। अम्मा को बोल एक गिलास चाय थाले जोरावर भाई के लिए भी भेज दे। और सुन, भीतर बाल्टी में दूध रखा है, वो लेती जा। काका, वैद्य जी कह रहे थे कि दवा तो सब करके देख ली, आप चाहो तो झाड़ फूंक भी करके देख लो। अरे बावड़े, अगर सभी बीमारियां दवा दारू और झाड़ फूंक से ठीक हो जाती तो जगत में कोई दुख विपत्ति क्यों रहती। कई बार करता कोई और है, फलता कोई और है। कर्मों के बीज बोए कहीं जाते हैं और फल कहीं और निकलता है। देख जोरावर, सत्तो को जो बीमारी है, मानने लगता है उसकी जड़ कहीं और है। थाने मालूम है, थारे पूर्वज यहाँ के नहीं थे। यहाँ के नहीं थे? पण काका, मैं तो इसी गांव में पला बड़ा। हमारे बापू ने भी मुझे कदे नहीं बताया कि हम लोग बाहर से आए थे। हमारे पूर्वजों का गांव कौन सा था काका? देख जोरावर, मैं तो बस इतना जानू कि थारे पुरखों के गांव का पानी ही सत्तों की बीमारी दूर कर सका है। पण जस्सू काका, है किधर ये गांव? ये बात तो थाने सुक्कू बाबा ही बता सका है। कौन सुक्कू बाबा? कहां मिलेंगे ये सुक्कू बाबा? रास्ता तो मैं थाने बता दूंगा, बाकी थारे भाग की बात है। इस गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है ना? हाँ हाँ। सूरज उगने के वक्त पीपल की छाया की सीध में चला जाना। 2 दिन के सफर के बाद एक सोता मिलेगा, उसके पास एक पुरानी सी छतरी है, बस वहीं रहते हैं सुक्कू बाबा। ए लक्ष्मी, वो देख, पेड़ तो दिख रहे हैं। हाँ। वहीं कहीं होना चाहिए पानी का सोता। अब तो तू प्रार्थना कर कि सुक्कू बाबा भी अपन को वहीं मिल जाए। अच्छा, सुक्कू बाबा मिले? यहाँ तो सब सुनसान है, वहाँ उधर भी कोई नहीं दिखता। पर ये राख तो आज ही की जान पड़े है। हो सकता है कहीं आसपास निकल गया हो, रुक कर इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा कर, तू छोरी को देख, मैं जरा रात को रुकने का इंतजाम करता हूँ। मानुष जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, सरोवर से फल छड़े पड़ा, बहुरी न लागे डार। पानी में बहुत ताकत है बेटा, बहुत खिंचाव है। दूर दूर से लोगों को खींच लेता है,
तो भी पानी की तलाश में है ना? हाँ बाबा, हमारी बच्ची बीमार है बाबा। जानता हूं, बाबा बड़े बूढ़ों का कहना है कि हमारे पुरखों के गांव का पानी हमारी बच्ची को ठीक कर सकता है। कर सकता है, शायद कर सकता है। हमारी बच्ची को बचा लो बाबा, मैं थारे चरण धोके पीऊंगी। तू जस्सू की बेटी है ना? पाला तो उन्होंने ही है। पालने वाला ही तो पिता कहलाता है बेटी। बाबा माने दो, मैं लाती हूँ। बाबा जस्सू काका कह रहे थे कि आप बता सकते हो कि हमारे पुरखों का गांव कौन सा है। मैं रास्ता बता सकता हूँ बच्चे, आगे तेरी हिम्मत। आप रास्ता तो बताओ बाबा, हिम्मत तो मैं कर लूंगा। पर तू वहां पहुंच भी गया तो क्या कर लेगा? मैं समझू को नहीं बाबा। अरे बाबले, हर पानी में शक्ति नहीं होती। जब पानी से जीवन का सत निकल जाता है तो वो सिर्फ पानी रह जाता है, बेजान पानी। मेरी बेटी को जीवन का सत चाहिए। मारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा। तेरे पुरखों के गांव में कुआं है, जोगिया कुआं। उसी के पानी से तेरी बच्ची ठीक हो सकती है। लेकिन लेकिन क्या बाबा? उस कुएं का पानी गंदा हो गया है, उससे जीवन का सत जाता रहा है। जब तक वो कुआं साफ नहीं होगा, उससे नए पानी की धार नहीं फूटेगी, तब तक तेरा काम नहीं बनने वाला। बाबा मैं करूंगा उसे साफ। मैंने कई सारे कुएं साफ करे हैं। मारी बेटी की जिंदगी का सवाल है बाबा। इस कुएं को साफ करना केवल एक आदमी का काम नहीं है, गांव के सारे बुजुर्गों को साथ लेना होगा। तू केवल साधन बन सकता है, बन पाएगा? इसके सिवा और चारा भी क्या है बाबा? मारी बेटी की जान। बेटी अकेली नहीं है, इसके साथ साथ मुझे और भी बच्चियां दिखाई दे रही है। एक तो देख, यही खड़ी है मेरे सामने। बाबा मैं? हाँ तो और भी हैं। थम गांव का पता ठिकाना बताओ बाबा, हम सब कुछ करने को राजी हैं। अच्छा तो सुन, यहां से सीधे सूरज की दिशा में जाओ। एक दिन और एक रात चलने के बाद जब सूरज तुम्हारे सर के ऊपर पहुंचेगा तो तुम्हें चट्टान दिखाई देगी। वहां से दक्षिण की तरफ मुड़ जाना। 7 कोस चलने के बाद तुम्हें एक बरगद मिलेगा। बस वही मिलेगा तुम्हें तुम्हारे पुरखों का गांव। Thank you.
जय माता जी की बाई जी। जय हो। कौन गुजर गया? ठाकुर लाखन सारी पोती। कहीं घनी छोटी थी? नहीं, 6-7 बरस की थी। लगता है बड़ी दूर से आ रहे हो, पानी पियोगे? हाँ, मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। आ जाओ, भीतर आ जाओ। सात साल की छोरी मर गई, घनी अजीब बात है। पानी लो। बड़ी कृपा भाई जी। कौन गांव से आए हो? जी, पीपल गांव से। यहाँ कैसे आना हुआ? जी वो हमारी बेटी बीमार है। यहाँ कोई जोगिया कुआ है। जोगिया कुआ? 3 बरस हो गए मारे को ब्याह कर आए, मैंने तो कभी किसी जोगी कुएं का नाम नहीं सुना। क्या बात है काकी? हुँ? अपने गांव में कोई जोगिया कुआ है? जोगिया कुआ? कौन सा जोगिया कुआ? मैंने तो ऐसा कोई कुएं का नाम नहीं सुना। भाई जी, आप तो ऐसा करो, गांव के सरपंच के यहाँ चले जाओ, शायद उनको मालूम होगा। जैसा आप ठीक समझो। तू यहीं बैठ, मैं भी आया। क्या बीमारी है बिटिया को? पता नहीं, 3 महीना हो गए, इलाज के वास्ते आए हैं। इलाज इस गांव में? इस गांव में तो 6-7 साल के बाद कोई लड़की जीवती ही नहीं रहती। अगर मारे घर वाले इस बात को जानते तो इस गांव में कदी मारा ब्याह नहीं करते। आओ रम्मो, आओ। आ गई रम्मो। देखो ये भी नहीं बचेगी, ठाकुर वीर सिंह नहीं बचेगी। सांझ की वेला है रम्मो, ऐसे कुबोल मुंह से मत निकाल। रम्मो को जो दिखता है वही बोलती है। कुछ इलाज तो होगा ही रम्मो। इलाज तो है, पर थारी पहुंच के बाहर है। हमारी पहुंच की बात छोड़, तू इलाज बता। इसे तो कुआं ही बचा सके है। फिर वही कुआं? कुआं कितनी बार कहा है कि उस कुएं का पीछा छोड़। ठाकुर, मैं तो कुएं का पीछा छोड़ दूंगी, पर ये कुआं तारा पीछा नहीं छोड़ेगा। याद रख ठाकुर, ये सिर्फ थारी पोती नहीं है, गांव की आखिरी बेटी है। ये चली गई तो गांव उजड़ जाएगा। ठाकुर वीर सिंह, गांव उजड़ जाएगा और फिर यहाँ भूत पलीत नाचेंगे। जय माता जी की। जय हो। आप ही गांव के सरपंच हैं? हाँ भाई, मैं हूँ। मेरा नाम जोरावर, मैं घनी दूर से आया हूँ, मैंने आपकी मदद चाहिए। मेरी बच्ची बीमार है, आपके गांव में कोई जोगिया कुआ है? जोगिया कुआ? देखेगा जोगिया कुआ? मैं दिखाती हूँ तुझे जोगिया कुआ, मैं दिखाती हूँ तुझे जोगिया कुआ। कहता है कुएं का पीछा छोड़। अरे कर्म किए हैं तो भुगतेगा ही, कैसे पीछा छुड़ाएगा? किसी ने तो याद किया जोगिया कुआ। चल हमारे साथ चल, मैं दिखाती हूँ तुझे वो जोगिया कुआ, मैं दिखाती हूँ। हाँ, किसी ने तो पूछा आखिर। हाँ, सारा गांव भूल गया, कर्म करके भूल गए, बचेंगी कैसे बच्चियां? पर तुझे कैसे याद आया रे? सुक्को ने भेजा है तुझे? हाँ हाँ हाँ, और कौन भेजेगा? अब तू आया है तो वो भी आएगा,
हाँ आएगा, जरूर आएगा। हाँ, सब भूल गए, कोई याद नहीं रखता, पर समय से कोई भाग नहीं सकता, कभी ना कभी समय सामने आके खड़ा हो जाता है। हाँ देख, ये देख ले, आ आगे आ, ये देख, अच्छी तरह से देख ले, ये है वो जोगिया कुआं। तूने भी भुला दिया ना ठाकुर, तू भी भाग रहा है इससे, पर कब तक भागेगा हैं? कब तक भागेगा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, एक दिन इसका मुंह खुल के रहेगा वीर सिंह, तभी इससे पीछा छूटेगा तेरा। ये गुड़िया यहाँ कैसे मसा? अब ये गुड़िया वाले यहाँ नहीं रहते, नहीं रहते यहाँ, अब खत्म हो गए, खत्म हो गए, अब तो यहाँ राक्षस बसते हैं। हाँ राक्षस। हक छीन लिया था उनकी बेटियों का ठाकुर, थारी पोती ने भी यही कुआं चाहिए। हाँ यही कुआं चाहिए। जोगिया कुआं, सारा गांव में कोई तो मिला ठाकुर साहब जो जोगिया कुएं का नाम जाने हैं? जानू तो मैं भी, पर बरस गुजर गए, वहां एक हादसा हुआ था, अब वहां कोई नहीं जाता, जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारा काम तो पंचायत के कुएं से ही चल जावे। सुक्कू बाबा ने कहा है कि हमारी बेटी का इलाज। सुक्कू बाबा, आप जानते हो सुक्कू बाबा को? उसी ने कहा है कि हमारी बेटी जोगी कुएं के पानी से ही ठीक हो सकती है। आपकी पोती कब से बीमार है ठाकुर साहब? यही कोई 3 महीने हो गए, सभी कुछ है इस गांव में, बस किसी को बेटी का सुख नहीं मिलता। कितने बरस की है आपकी पोती? आते जेठ में 7 साल पूरे कर लेगी। हमारा दिल कहता है ठाकुर साहब आपकी पोती भी जोगिए कुएं के पानी से ठीक होगी। उसमें पानी है कहां, कूड़े करकट के सिवा उसमें कुछ नहीं है। अब हमारा मन कहता है ठाकुर साहब जब उसे साफ करें तो उसमें पानी जरूर निकलेगा। कौन करेगा साफ? करने को तो मैं साफ कर लेता, पर बाबा ने कहा है कि काम तभी बनेगा जब गांव के सारे बुजुर्ग हाथ बटाएंगे। ठीक है। Thank you.
छोड़ो, धीरे धीरे। हाँ हाँ छोड़ता जाओ, धीरे भाई लोगा। हाँ 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 से, ये कुआं साफ नहीं होगा, कदरे भी नहीं होगा। मैं नहीं करूंगा ये कुआं साफ। बस इतने में ही घबरा गया। सुक्कू, याद है मुझसे क्या कहकर आया था? पर यहां तो भूतों का बसेरा है बाबा, यहां तो भूत बसते हैं। इसमें भूत नहीं है पगले, इस कुएं में तो इस गांव का भूत है, इसीलिए तो इसकी सफाई करनी होगी, करनी ही होगी बेटा। यो हमारे से नहीं होगा बाबा। कैसी बातें करता है, उस लक्ष्मी की तरफ देख, अपनी बेटी की तरफ देख। जब इतना रास्ता तय किया है बेटा, तो थोड़ी हिम्मत और कर। देख जोरावर, मैं तो खुद नहीं चाहता था कि इस कुएं का मुंह खुले, पर तू नहीं मानना। तैने कहा कि इस गांव के बड़े बूढ़ों को एकटा कर, सो मैंने कर दिया। अब पीछे मत हट। चल बेटा चल, अपने भय पर काबू रख, तभी तो तू इस भूत को काबू कर पाएगा। ठहरो जोरावर, सिर्फ गंदगी निकालने से कुआं साफ नहीं होगा,
मैं समझो गोरी बाबा, ये कुआं अपने आप गंदा नहीं हुआ, इसे गंदा किया गया है। जानबूझकर कौन कुआं गंदा करेगा बाबा? वही करेगा जिसके की अंदर का पानी मर चुका हो। ये आम गंदगी नहीं है बेटा, हमारे अंदर कमैल है। इसकी जिम्मेदारी कबूल किए बिना इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। मैं जानता हूं यह किसकी गंदगी है, लेकिन जिसकी गंदगी है उसे खुद कबूल करना होगा। सोच लो, अगर तुम्हारे गांव की आखिरी बेटी भी जाती रही तो सारा सुख साथ उतर जाएगा। मान ले चिंटू, अब तो मान ले, कब तक छुपाएगी अपने कर्म? जो कुछ भुगतना है यहीं भुगत ले, कम से कम परलोक में तो चैन मिलेगा। लड़की से ब्याह किया था, पर मैं और मेरा आदमी इसके खिलाफ थे। बस बस, मैंने कहा ना बापू, मैं ऊंच नीच नहीं मानता। देख सुखपाल, छोटे बड़े का भेद तो दुनिया में हमेशा से रहा है। आखिर फर्क क्या है उनमें और हम में? क्यों फर्क नहीं है? हाँ, उनका रहन सहन, रीति रिवाज सब हमारे से अलग है। लो, आपकी जात बिरादरी भी कोई चीज होती है। अब तुम सो जाओ जी, ये झगड़ा तो चलता ही रहेगा। अरे उनकी हैसियत ही क्या है, बाप दादा हमारी जमीन पर हल चलाया करते थे, चार जानवर खरीद लिए तो हैसियत हो गई। अरे आज भी उनके जानवर हमारी जमीन पर चढ़ते हैं। उनके जानवर हमारी जमीन पर चढ़ते हैं सही, लेकिन दूध घी भी तो उन्हीं से मिलता है ना। उनके बिना हमारा काम चलता है और ना हमारे बिना उनका। तू तो अपनी रट लगाया बेटा। अरे उनका तो खाने पीने का तरीका भी अलग है। थारी पता है, मांस खावे वो मांस। इस घर में आवेगी तो जैसे ढलोगे वैसे ही हो जावेगी। फजूल की बात है, वो कभी यहाँ की नहीं होवेगी। हम लोग कुछ भी कहो, ब्याह तो मैं उसी से करूंगा। देख सावित्री, ये तो मैं जानू कि भगवान के घर से सब बराबर आते हैं, पर इंसान के घर में तो ऊंच नीच है ना। लेकिन बापू, ये कायदे कानून बदले भी तो जा सकते हैं। बदले जा सकते हैं बेटी, लेकिन सावित्री। हाँ सुमित्रा बेटी, आओ आओ। पायलागू काका। जीती रहो। ये क्या ले आई आज? माँ ने थोड़ी सी लपसी भेजी है। सुमित्रा बेटी, देख थारा तो ब्याह हो गया, दुनिया का ऊंच नहीं समझो। अब तू ही बता, ये सुखपाल वाली बात से इसका क्या भला होगा? देख सावित्री, फर्क सिर्फ जात पात का नहीं है। सुखपाल के घर वाले बड़े लोग हैं, धनी और गरीब का मेल कभी हुआ है। लेकिन भाभी, उन्होंने कहा है हर तरह से ख्याल रखेंगे मेरा। और उसके माँ बाप, रहना तो उन्हीं के साथ पड़ेगा ना। वो लोग नहीं माने तो लड़ पावेगी अपने हक के लिए? बेटी मारी मान और सुखपाल से मिलना छोड़ दे। मारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बापू सख्त नाराज थे
कह रहे थे तुमसे मिलना जुलना बिल्कुल छोड़ दूं। अब फैसला कर ही लिया है तो फिक्र क्यों करती है? फिक्र कैसे ना करूं, ना थारे घर वाले राजी ना मारे। आज बापू कह रहे थे कि अब बीच धार में आके या तो डूबना है या तो फिर दूसरे किनारे जाना है, लौट के नहीं जाना। अब मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, अब थमी कोई रास्ता निकालो ना। क्यों रही, मारी बात थारे पल्ले नहीं पड़ी? मैंने कहा था इससे मिलना छोड़ दे, तू फिर आ गई। इसे कुछ मत कहो काका, मैंने ही इसे यहाँ बुलाया था। देख सुखपाल, थाने तो कोई दोष नहीं देगा, मारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ बेचारी की है नहीं। मैं इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा काका, ब्याह करूंगा मैं इससे। कभी हुआ भी ऐसा ब्याह जो तू कर पाएगा? मारे को जात पात पे कोई विश्वास नहीं है काका। मैं जानू बेटा थारे दिल में खोट नहीं, जात पात तो मैं भी नहीं मानता, पर लोगों का क्या करें, खुद थारे घर वाले राजी नहीं होंगे। नहीं होंगे तो ना हो, मैं अलग हो जाऊंगा। बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाओगे, ये कोई अच्छी बात है? कुछ भी होवे, ब्याह तो मैं सवित्री से ही करूंगा। थारा क्या कहना बेटी? ठीक है, हम लोगों ने ठानी ली है तो हमारा भी आशीर्वाद, बाकी हरी इच्छा। बधाई हो काकी, बड़ा अच्छा किया तूने, सुखपाल को ब्याह कर दियो। अरे दूसरी जात की है तो के हुआ? अब तू ही बता संतोष, जब ब्याह के घर ले ही आया तो क्या उसे घर से निकाल देती? अरे अकेला बेटा है थारा, अब तो तेरा काम और भी हल्का हो जाएगा। हाँ हल्के की अच्छी कही तूने, देखती नहीं कितना आराम हो गया। अरे बहू के आने पर पानी तो मुझे भरना पड़े है। ये बात तो ठीक कही, अब सावित्री को इस कुएं पर पानी कौन भरने देगा? पर जो भी है काकी, है बड़ी सुंदर थारी बहू। सुंदर है तो क्या चाटू उसको, मारे भाग में पिसरा लिखा है सो पिस रही हूं। पता नहीं कौन से कर्म किए थे पिछले जन्म में। लाओ माँ जी, रेंदे रेंदे उस तो सफाई सीख ले, झाड़ू वाली हाथ मटके को लगा रही है, इतना भी नहीं सीखा। वाह थारी तो मौज हो गई है, बहू घर में आ गई और बेटा खेती संभाल रहे। बस उठे और जा पहुंचे चौपाल में राणा जी की तरह दरबार लगाने को, भुगतना तो माने पड़ता है। अरे क्या बात हो गई, सोचा था घर में बहू आवेगी तो थोड़े दिन आराम मिलेगा, पर इस राणी जी को कुएं पर फटकने भी देगा कोई? मारे तो जैसी बहू आई वैसी नहीं आई। अरे कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो चुका ठीक, कुएं पर औरतें ऐसे ऐसे ताने मारे, मारा ही मन जाने। अरे तो माने क्या कम सुननी पड़ती है, किस किस के मुंह पर ताले लगाऊं मैं? लो छाछ पियो। ताला नहीं लगा सकते ना, तो माने एक पुड़िया जहर ला दो, आराम से जी नहीं सकती पर आराम से मर तो सकती हूँ मैं। ये सब तो अपने बेटे सुखपाल से कह, वही रास्ता निकालेगा समझी, चल ले या पकड़। माजी सा आप क्या है, गुस्सा मत करो माजी सा, इसमें मेरा क्या दोष, मैं तो पानी भरने को तैयार हूँ। अरे तू तो तैयार है पर थाने कुएं पर पानी भरने देगा कोई? थारी नसर पर लोगों को तो जात बिरादरी का ख्याल है। माजी सा रात को कुआं सुनसान हो गए है, मैं रात को भर लाया करूंगी पानी। देखेंगे जब रानी जी भर के लाएंगी पानी। सावित्री तू इस वक्त पानी भर रही है? क्या करूं, दिन में पानी भरने देगा कोई माने? बस थोड़े दिनों की बात है, फिर सबको मानना ही पड़ेगा। आज मैं अपने वाले कुएं भी गई थी, वहां भी मना कर दिया, बोले जहां तो गई है वहीं से पानी भर। जसू काका क्या बोले? वो क्या बोलते, दुखी हो रहे थे, तुम तो सुबह ही खेत पे चले जाते हो, सारा दिन बातें तो मुझे सुननी पड़ती है। सबर से काम ले सावित्री, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
थारी बहू काम काज तो चोखो कर ले वेगा की? हाँ काम काज तो चोखा कर ले, पर काम करने का ढंग भी तो होवे। इसके तो रंग ढंग ही बड़े अनोखे हैं। अनोखे? अब देख काकी थोड़ा बहुत तो फर्क होवे ही। थोड़ा बहुत की बात करे तू, अब साफ सफाई को देख। मैं जब से ब्याह की आई ना तो बिना नहाए रसोई में पाँव नहीं रखा, बिना पूजा किए एक और मुँह में नहीं डाला, और ये अब बस 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 आजकल बड़ों के पाँव कुण छुए है। और ये चाय तो बेकार ही लाई सावित्री, आज सुबह से मेरा जी ठीक नहीं है। जा ये चाय तू ले जा, तू पी लेना इसे, बेकार जाएगी। तेरा बेटा कैसा है? भगवान की भी अपनी लीला है। अब देखना संतोष, थारे ऐसा गूंगा बैरा छोरा दे दिया और माँ ने ऐसी बहू। अच्छा काकी मैं चलू हूँ, अभी ढेर सारा काम पड़ा है करने को, फिर आऊंगी। आ जा। घड़ी खमा भाभी सा। जुग जुग जियो। देखा थारे हाथ की चाय भी नहीं पी उसने, जिस दिन से तू आई है ना कार पक गए लोग की बातें सुन सुन के। हमेशा इसके पीछे क्यों पड़ी रहती है अम्मा? पता है थारी बहू की वजह से गांव में कितनी बदनामी हो रही है। एक नामी बदनामी जो भी हो रही है ना, हमारी वजह से हो रही है, इसकी वजह से नहीं। थारी तो रीति अनोखी है सुखपाल, सारे गांव से अलग अपनी वही डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाने चला है, पर माने तो इसी बिरादरी में रहना है। तो रहो ना, कौन मना करता है। लो और सुनो, आज लोग ताना देवे हैं, घर का पानी नहीं पीते, कल अपने साथ बैठने भी नहीं देवेंगे, और सब इसी के कारण। देख अम्मा, अब हमारे बस में भी कुछ नहीं है, मैं ब्याह के लाया था इसे, अगर थम लोगों को पसंद नहीं है तो मैं अलग हो जाता हूँ, फिर तो खुश हो जाएगी थारी बिरादरी। सुनो सुनो। अब दोबारा हाल बैल संभालने की तैयारी करो। अरे कई उठपटांग बोल रही है। नहीं उठपटांग नहीं, आज सुखपाल ने कह दिया, मारा हिस्सा अलग कर दो। क्या क्या कहा उसने? हाँ वो अलग होना चाहे। अरे सुखपाल है कहाँ? खेत में पानी दे रहे, देरी से आवेगा। अरे कितना सोचा था कि बेटा जवान होगा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पता नहीं कौन से पाप किए थे। ये सब उसी कुलच्छिनी की माया है, पता नहीं क्या जंतर फेर दिया हमारे सुखपाल पे। अरे आज फिर यशपाल कह रहा था, अपनी भतीजी के लिए उसने सुखपाल को देख रखा था। अरे ब्याह के वक्त वो तो धोखे देने को भी तैयार था। यहाँ तो जो है वो भी जाता दिखे। अब क्या करें, किस्मत के आगे लाचार हैं। हमारे बाप दादा के जमाने में ऐसा हो सकता था भला? अरे काट कर फेंक देते। आज भी इस मनहूस से छुटकारा मिले तो मैं अभी यशपाल को हाँ कह दूं। तुम सो जी, माँ ने बहुत काम पड़ा है।
और मिला क्या इसे? बेटा घर छोड़कर चला गया और कुछ दिनों बाद पति भी नहीं रहा। अब ये सूखे कीकर की तरह है जो न फल दे सकता है न छाया। रहने दे जोरावर, रहने दे, इसे मत छेड़। अभी तो पहली धार फूटी है, अभी तो बहुत गंद बाकी है। अभी भी तूने पूरी बात नहीं बताई। सवाल सिर्फ जात बिरादरी का नहीं था। मेरा बापू अमीर होता तो तू जात पात भी भूल जाती, लेकिन ठाकुर यशपाल की तरह मेरा बापू तुझे जमीन जायदाद नहीं दे सकता था। अभी भी झिझक रहा है जीतू ठाकुर? जीवन को हम सब अलग अलग ढंग से भोगते हैं, शायद इसीलिए हर एक को सत्य का रूप अलग अलग नजर आता है। पर आज तू अपने अंदर झांक कर देख, जो तूने किया था क्या वो सही था?
मैं जानता था जीतू, अब थारी बारी है, अब तू भी अपने मन का पाप धो डाल। तो बड़ी मामूली थी, फत्तू की बकरी ने मारी फसल थोड़ी सी खराब कर दी थी, पर समझ नहीं आता उस दिन मारे सर पर कैसा खून सवार हो गया था। ठाकुर आया था। अच्छा? जीतू ठाकुर, बड़ा लाल पीला हो रहा था। क्यों, उसे क्या मुसीबत हो गई? कह रहा था हमारी बकरी रोज उसके खेत में घुस जावे है, अब की बार घुस गई तो बहुत बुरा होगा। अरे एक आध बकरी कभी खेत में घुस भी गई तो कौन सी आफत आ गई? अरे बीसों वर्षों से हम वही डेर में अपनी भेड़ बकरी चराता आ रहे हैं। मैं कहती हूँ कुछ दिन बकरियाँ दूसरी तरफ ले जाओ। अरे कहाँ ले जाऊँ, ठाकुरों ने कोई जगह छोड़ी भी है? यहाँ आस पास 10 कोस तक जानवर चराने के लिए और कोई जगह नहीं बची है। पहले जंगल थे, अब वहां भी ठाकुरों ने खेत बना लिए हैं। सुनो, बेकार झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अवली है, अरे झगड़ा हम कर रहे हैं कि ठाकुर? अच्छी मुसीबत है, कुत्तों से मारा भेड़ बकरी चराने का धंधा है, जमीन हमारे पास है नहीं तो कहीं करूं, बेच दूं भेड़ बकरियां, भूखा मार दूं थम सपने। ठाकुरों का बस चले तो हमारे मुंह का निवाला ही छीन ले। मारी है और आवेंगी तो और मारूंगा। थारी घरवाली ने बताया नहीं थाने कल मैंने क्या कहा था? अरे बकरी मार के बड़ा राणा जी बन रहा है, अरे खेत में घुस गई थी तो निकाल नहीं सकता था। मैं थारे बाप का चाकर लगाऊं जो रोज रोज तेरी बकरियां निकालता फिरूं? देख रामी, आप तक नहीं जाना, अरे असल की औलाद है तो मारे हाथ लगा के दिखा। अरे जा, वक्त आवेगा तो करके दिखा दूंगा, जा उठा के ले जा अपनी बकरी, देख लूंगा। मैं तो यही कहूं सबर से काम ले फत्तू। बहुत सबर हो गया काका, हम तो सबको सबर सबर कहते रहते हो। अब सुखपाल का घर में सवित्री सास की गालियां खावे है रोज, उसे भी थम सबरी सिखाते रहते हो। सवित्री की बात छोड़, उसका अपना भाग। आज तो हारी बकरी मारी है जीतू ने, कल औरों की मारेगा।
अरे फत्तू, रेवड़ को और आगे ले जा, कोस दो कोस और आगे चला जा। काका थम भी जानो, वहां से दूसरा काम लगता है, उनके भी खेत हैं, वो आने देंगे हमें? हाँ फिर इस बकरी का नुकसान कौन पूरा करेगा? तूने जीतू से बात की? अरे वो किसी की सुनता भी है? काका जितने हम दबते जा रहे हैं उतनी इनकी मत और बढ़ती जा रही है। देख गांव में रहना है तो मिलजुल के रहना पड़ेगा, झगड़े से कोई फायदा नहीं। फिर भी तू चाहे तो मैं सरपंच से कहता हूँ, पंचायत बुला लो। देख जस्सू, थारी बिरादरी में थारी बात सब मान्य है, बेकार बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। जो असली मामला है उसी पे बात कर। सरपंच जी, मैं असली मामले की बात ही तो कह रहा हूँ भाई। जब तक मारी भेड़ बकरियां चराने के वास्ते जगह का फैसला नहीं होगा, ये झगड़े तो आए दिन होते रहेंगे। इसीलिए तो मैं देख जसू, तो भेज दे उधर की आंकने लग गया। ठीक ही तो कह रहे जसू काका, पहले इनकी पूरी बात सुन तो लो। अच्छा अब तेरे मुंह में भी जबान आ गई। क्यों लखन चाचा, कहीं गलत बात कह दी मैंने? अपनी औकात में रह सुखपाल, तू तो न इधर का न उधर का। अब सुखपाल, अब तुझे छोटे बड़े की तमीज भी सिखानी पड़ेगी। चुप कर। बड़े ठाकुर, ऐसा है कि पंचों ने सारी बात सुन ली है, अब तो थम अपना फैसला सुना दो। भाई मारी समझ में तो मामला बस इतनो है कि फत्तू की बकरी ने जीतू की फसल का नुकसान किया और जीतू ने फत्तू की बकरी मार दी। क्यों लखन? हाँ बस और क्या। लेकिन भाई फसल तो फिर उगावेगी, पर बकरी तो गई सो गई, इसलिए फत्तू का नुकसान तो पूरा होना चाहिए ना। क्यों भाई बोलते, क्यों नहीं? ठीक है ना। हाँ ठीक है, नुकसान तो पूरा होना ही चाहिए। तो अब पंचों की राय हो तो मैं एक उपाय सामने रखूं। हाँ बड़े ठाकुर रखो ना। देख भाई जीतू, फत्तू की बकरी का नुकसान तो तुझे भरना ही होगा। नहीं बड़े ठाकुर। ना ना जीतू ना, अब तू कुछ मत बोल, बस तू इतना बता कि कब पूरा करेगा इसका हर जाना। किसान के पास पैसा कब आता बड़े ठाकुर? फसल कटने के बाद। हाँ हाँ ठीक है, तू फसल कटने के बाद इसका हर्जाना देगा। क्यों पंचो, 20 रुपया हर्जाना ठीक है ना? देख ली थारी पंचायत, बस ये थारा नहीं आओ, नहीं चाहिए थारा हर्जाना। पंचायत का फैसला है इसलिए मान रहा हूं ठाकुर, मगर कहते रहा उससे, अब अगर दोबारा उसकी बकरियां मारे खेत में आई तो फिर नुकसान मैं नहीं भरूंगा। देख सरपंच, आज थाने मारी बात समझ में नहीं आई, पर एक दिन आवेगा जब मारी बात थारे सामने आके खड़ी हो जाएगी, फिर थम बहुत पछताओगे। सुन लो, बहुत पछताओगे। मैं हूं बीर सिंह। आई जी, तू नहीं है घर में? नहीं, अभी आने को बोल गए। कुछ पानी वानी लाओ। ना ना, पानी वानी की जरूरत नहीं है। कोई खास बात थी क्या? खास बात तो है ही, आज तो पंचायत में मैंने बचा लिया जीतू को, नहीं तो बड़ी मुश्किल में फंस जाने वाला था। कितनी बार कह चुका हूं उसको कि जरा संभल के चाल, पर उसका मिजाज है कि आसमान को छूने जावे है। तू और अज्ञात है, दीन दुनिया समझती है, तू ही समझा उसको। अरे मारे समझाने से वो समझेंगे के? उन्हें समझाना मारे बस में नहीं है। ले आ गया जीतू, कहाँ चला गया थरे पंचायत से? कहीं फिर से उस फद्दू के साथ झगड़ने तो नहीं चला गया था? थम तो तिल का ताड़ बना रहे हो बड़े ठाकुर,
इन साले गडरियों का बस चले तो ये अपनी बकरियां मेरे आंगन में घुस रहे थे। देख जीतू, एक तो थाने शामलात की जमीन पर कब्जा कर रखा है, ऊपर से तू दंगा फसाद भी करे है। अब जमाना बदल गया है, जरा शांति से काम ले। शांति? शांति से काम लेते लेते तो नौबत यहां तक आ गई है बड़े ठाकुर। पहले साले गडरिये हमारे खेतों में मुफ्त काम करते थे, तू तक नहीं करते थे, अब साले तिनका उठाने का पीसा मांगते हैं। अब अगर थारी बात मान लूं तो मुझे अपनी पकड़ी फत्तू के पैरों पर रखनी पड़ेगी। अरे फिर भी जरा ठंडे दिमाग से काम लिया कर। राम राम काका। अरे गंगा, कहीं बात हो गई? काका वो इधर तो नहीं आया। कौन फत्तू? नहीं, वो पंचायत के बाद तो दिखा ही नहीं। घर भी नहीं आया है तब से। गरम दिमाग है, गुस्से में कहीं चला गया होगा। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है उसने, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं, तू घर जा, मैं ढूंढ कर लाता हूँ उसे। देख पत्तू, ये पंचायत तो नाम के वास्ते सारे गांव की है, असल में है ये ठाकुर पंचायत। अरे है कोई सारे गांव में मारी बात सुनने वाला? पहले तो जस्सू काका की थोड़ी बात सुन भी लेते थे, पर आज तो उनकी भी एक नहीं सुनी। अरे गरीब के साथ तो कभी भी इंसाफ नहीं हो गए। बाया माने देख, राखन ठाकुर से 300 रुपये लिए थे, साथ में जमीन भी गिरवी रखी थी। 4 बरस हो गए, उधार तो उतने को उतना, माने तो जमीन भी जाती दिखे। और खेत में जो बेगार करे हैं वो क्यों नहीं बोलता? पता नहीं पेट पालने के लिए और कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। हमारे से तो अब और बर्दाश्त नहीं हुए, ये साला जानवर की तरह जीना भी कोई जीना है। अरे तू यहाँ बहु परेशान हो रही है। राम राम काका। राम राम। राम राम भाभी। राम राम। आओ बैठो। पत्तू बेटा, पूरे गांव में ढूंढ कर आया हूं तुम्हें, सवेरे से घर क्यों नहीं गया? कैसा घर और कैसा काम, देख ली थरी पंचायत, क्या मिला? 20 रुपली का वादा। मैं जानता हूं पत्तू, थारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, पर बात सिर्फ थारे अकेले की नहीं है, गांव में थारे जैसे और भी बहुत हैं, कभी उनके बारे में भी सोच। हम तो बड़ी बड़ी बातें करो हो जस्सू काका, पर माने तो अपने बाल बच्चों की चिंता है। तू सोचा माने कोई चिंता नहीं? थाने क्या चिंता है जस्सू काका, सावित्री के हाथ पीला कर दिए, भेड़ बकरियां दे दिला दी, अब तुम संसारी रहे कहां जो चिंता करो। अरे तू तो संसारी है ना, अब गुस्सा छोड़ और घर चल, बहू सुबह से परेशान हो रही है। अरे पत्तू, देख ली करके पंचायत ले लिया हर जाना। अरे क्या फर्क है थम्मे और थारी पंचायत में? अरे दोनों ही खून चूसो हमारा। इस बार अपनी गंगा को भेजना पंचायत करने, दे देंगे हर जाना थाने। अबे हरामी, गंगा का नाम लिया ना तो चीर के रख दूंगा। जा, जाके पहले अपनी लुगाई को संभाल, घर में बैठी है तेरे, और संभाले उसे सरपंच। अरे ओ गदरी, अपनी औकात मेरे औकात में, उस दिन तो बकरी मारी थी थारी, आज थारा सर फोड़ दूंगा। अरे चाचा पहले मर तो बन जा, फिर करना सर फोड़ने की बात। अच्छा तो मर्दानगी देखेगा मारी, अगर तू मर्द का बच्चा है तो खुदा अपनी बकरी मारे खेत में। अच्छा बकरी चाहिए था, ये रही मारी बकरी, और ये गई थारे खेत में। फत्तू और मारी कोई दुश्मनी नहीं थी, उसने गाली दी और मैं गुस्से में पागल हो गया। गुस्सा करने का हक सिर्फ उसे है जो दूसरे का गुस्सा बर्दाश्त कर सके। तुझ पर और तेरी बिरादरी पर ताकत का नशा सवार था,
ताकत दूसरे का हक छीनने के लिए नहीं है। जिनके पास ताकत होती है उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। केवल मेरी बकरी का था और ना ही तुम्हारे गुस्से का, जंगल सबका था। उसे काटकर तुम लोगों ने खेत बना लिए थे और हम लोगों के जीने के सारे साधन छीन लिए थे। रुक जा लाखन सिंह, अपने से भागकर कहां जाएगा? अभी भी वक्त है, दो डाल बरसों की जमी हुई मैल अपने लिए न सही, अपनी औलाद के लिए अपने गुनाह कबूल कर। कैसी औलाद बाबा, जो थे रहे रही नकारा लेना बच्चा, मेरा तो बंद से खत्म हो गया बाबा। तेरी औलाद है लाखन सिंह, याद कर, अच्छी तरह याद कर, जिसे तूने अपनाने से इनकार कर दिया था। Thank you.
हर आदमी पे उम्र का एक सा असर नहीं होता। कहते हैं कि उम्र के साथ साथ आदमी का जूस भी ढीला पड़ जाता है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होया। ले कुल्ला कर। पता नहीं भगवान तुझे कब बोलना सिखाएगा। ठाकरानी सा, गाय को चारा डाल दिया है। अच्छा तो ऐसा कर, आंगन में बुहार दे। जी। ठकरानी सा, आज अनाज थोड़ा जल्दी मिल जाता तो बड़ी कृपा होती, थोड़ा काम था। 7 दिन में एक दफा तो तू आवे है, वो भी अनाज लेने। 2 काम बता दी तो थारी जान निकल गई। चल। अरे आधा खेत भी नहीं हुआ, जल्दी जल्दी चला। पल भर को भी आराम नहीं किया था, सवेरे से लगा हुआ। मन लगा के काम नहीं करेगा तो सवेरे से लगे शाम से, काम पूरा कैसे होगा रे? दादा कुछ पीसे चाहिए थे। अरे अभी तो पिछले उधार में चुकता हुआ थारा, नए पीसे और मांगने आ गया। सो तो ठीक है दादा, पर मारी जमीन भी तो गिरवी रखी है थारे पास। करे क्या इतने पीसों का तू? अम्मा के इलाज के लिए चाहिए दादा, पिछला उधार तो सारा भाई की पढ़ाई में खत्म हो गया। तेरा भाई करेगा क्या इतनी पढ़ाई करके? कोई लॉर्ड गवर्नर तो बन नहीं जाएगा, उसे भी अपने साथ काम पे क्यों नहीं लगाता? अभी से देख, हफ्ते में एक बार घर पे आवे और अनाज बांध के ले जाए। जवान जान औरत है, इसे भी अपने साथ काम पे लगा ले तो थारा उधार और जल्दी चुक जाएगा। कितने पीछे चाहिए? दादा 50 रुपये मिल जाते तो। अच्छा तू जल्दी जल्दी काम निपटा, बाकी मैं देखूंगा क्या हो सके। न सुनता है न बोलता है, अब हाथ मत तुड़वा लेना। इसका इलाज नहीं कराया ठकरानी सा? बहुत कराया इलाज, पर कोई फायदा नहीं हुआ। थारी सास को क्या हाल है? हाल क्या होगा ठकरानी सा, बुखार उतरता नहीं और वो काम करने से मानती नहीं। जाइए अंगूछा दिया ठाकुर साहब को।
अच्छा अब तू इसे समेट दे, आज के लिए इतना ही काफी है। अब तुझे क्या चाहिए, गुड़ क्या मिश्री मावा, खे खाएगा? खैर अब भी देती हूँ। ठकरानी सा चल पहले तने दे दियो। अच्छा अब तू जा, आज तने गुड़ दियूं, मेरा बेटा गुड़ खाएगा। ठहर तू, इतने से अनाज से क्या पेट भरता होगा तेरा, दो मुट्ठी और ले ले। साग वाग चाहिए तो खेत पे आके ले जाइयो, आलू भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। बस इतने से साग से क्या होगा, और ले ले। बहुत है दादा। ऐसे शर्म करने से कैसे पेट भरेगा हा? अच्छा चल थोड़े से आलू ले ले, झोपड़े में काट के रखे। अरे जा ले ले, कोने में पड़े हैं, जितना मन करे उतने ले ले। चारा तो बहुत हो गया, अब रहने दे। बस थोड़ा सी और रह गया दादा। अरे भाई की कोई खबर आई या नहीं? 8-10 दिन पहले चिट्ठी आई थी दादा, राजी खुशी है। मैं तो फिर कहूं उसे भी अपने साथ ही काम पे लगा ले। बात तो ठीक है दादा, पर अब तो जमीन भी अपनी नहीं रही। सोचता हूं पढ़ लिख जावे, नौकरी पे लग जाएगा तो काम चला लेगा अपना। दादा कुछ पीसा मांगा था, बड़ी जरूरत थी दादा, मिल जाते तो। अब तो तेरी घरवाली भी कमाने लग गई, अब भी पीसा नहीं जुटता तेरे पास। उसके काम करने से क्या फर्क पड़े दादा, हाँ दो मुट्ठी नाज और मिल जावे। ठकरानी सा कभी एक आध पुराना कपड़ा दे देवे, पर अम्मा का इलाज तो फिर भी नहीं हो पाया दादा। ठीक है थोड़ा सबर कर, महाजन ने हमारे नाच के पीछे देने, वो आवेंगे तभी बात बनेगी। अरे रे अम्मा, तुमसे कितनी बार कहा है बुखार में लकड़ी बटोरने मत जाया कर। अरे फिर कौन जाएगा लकड़ी लेने, तू भी आजकल खेत पे चली जावे है। अरे ये ले, आज क्या लाई खेत से? लाई क्या, वही साग पत्ता। दाता इधर बहुत मेहरबान दिखे हैं। हम उनके लिए नहीं पिसते क्या? अरे पिसते तो पहले भी बहुत रहते थे, पर दाता की त्योरी तो चढ़ी की चढ़ी रहती थी, भगवान की लीला है। चलो पेट तो भरे है, अरे रे। ले धन्नू भी आ गया, तू इसे खाना परोस, मैं तब तक कमर सीधी कर लूं।
अरे रे भगवान। अरे बहुत सुंदर चोली है, कहां से मिली? ठकरानी सा ने दिए क्या? बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं? क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? अब ये भी बताना पड़ेगा किसने दी है। ये तब पूछना था जब मुझे लाखन ठाकुर के यहाँ काम पे लगाया था। अरे ओ धन्नो, आया दादा। धन्नो, हुकुम दादा। मैं बच्चे को शहर लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, वो नीम वाले पेड़ में पानी लगा दियो। अच्छा दादा, चल दादा। हाँ। माने पीसा कब मिलेगा दादा? यो कोई बखत है पीसा मांगर का? हाँ, दिखता नहीं जरूरी काम से जा रहा हूँ। हम अपने बच्चे का इलाज करा सको, हमारी अम्मा के इलाज के लिए पीसे। क्यों, तेरे को और तेरी घरवाली को पाल नहीं रहा मैं? अब तेरी अम्मा को भी पाल लूंगे। माने और मारी घरवाली को तुम कैसे पालो, खूब जानू। काय मतलब? तुम सब जानो हो दाता, बाकी लोग भी देर से वे जान जावेंगे। बहुत मुंह खुल गया थारा, हाँ? जा सीधा काम पे, चलो तुम। ले भैया थोड़ी छाछ पी लो। भाई साहब, इन हालियों के दिमाग बहुत चढ़ गया आजकल। क्यों भैया, ऐसी कौन सी बात होगी? इस हराम को धन्नू को ही ले लो, हमारे यहाँ खेत में काम करने वाले हर मजूर को हमेशा से एक पसेरी अनाज मिले, मैं भी दूं, फिर भी रोज इसकी पैसे की मांग आ जाए। देख लाखन, जमाना बदल गया है, अब चाल बदल के चालना सीख। अरे भैया, थारे घर में सब कुछ तो है, अगर गरीब की मदद कर दोगे तो कौन सी कमी हो जाएगी? भाभी साहब, हम क्या जानो खेतों में लोगों से कैसे काम लेना पड़े, ये आदमी थोड़ी है, जनावर है जनावर, डंडा नहीं पड़े तो मानते को नहीं। अरे लाखन, अब पहले जैसी बात तो रही नहीं, अपनी बरादरी का सुखपाल उस गडरिये की छोरी ब्याह लाया, हम कुछ कर पाए? हम कुछ भी कह लो बड़े ठाकुर, एक बार तो इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा, बहुत काम पड़ा है, अब मैं चालू। अच्छा, जय हो भाई साहब, जय हो। सुनो जी, तुम सिर्फ अपनी बिरादरी के बारे में सोचो, तुम सरपंच हो, कभी गांव वालों के बारे में भी सोचा करो। ये बात थारी समझ में नहीं आवेगी। अरे अपना मारेगा भी तो छांव में सुलावेगा, पहले मैं और मेरी बिरादरी, फिर बाकी सारा गांव। सुना आपने, सुखपाल की बहू रात कुएं में गिर गई। कुएं में गिर गई, कैसे? भगवान जाने, पर चिंतो काकी को तो छूट होगी दूसरी बहू लाने की। चलो अच्छा हुआ, पाप कट गया, सारी बिरादरी का नाम बदनाम कर रखा था। उसके बिरादरी वाले कह रहे हैं सावित्री को जानबूझ के मारा है सुखपाल के घर वालों ने। पार्टी मिलो का दिमाग खराब हो गया, थाली में खाने का मौका मिल गया तो पत्थर का स्वाद ही भूल गए। सरपंच, अब भी कुछ नहीं करोगे? इसे सुखपाल के घर वालों ने ही मारा है। कैसी बात करती है,
ब्याह तो हो ही गया था, फिर ये इसे क्यों मारते? मर्दा जीना तो भगवान के हाथ में है बेटी, उसकी मर्जी को कौन टाल सकता है? दुखी कर रखा था सबने इसे, इसलिए मैंने कहा था कि मैं अलग हो जाता हूं। अरे अब रोने पीते से क्या होगा, ये तो थम लोगों की हमेशा की आदत है। तू बीच में क्यों बोल रहा बे? थारी जात की थी क्या? अरे जात तो गांव में दो ही रह गई है ठाकुर, कोई है जो सुनने वाला गरीबों की? यहाँ वो फत्तू के साथ क्या हुआ, पहले उसकी बकरी मार दी, फिर उसे भी खत्म कर दिया बाद में। देख धन्नू, अब बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, जो चला गया वो लौट के तो आवेगा नहीं, अब मामले को यही खत्म कर दे। क्या खत्म कर दे? तुम तो हर बात को दबा के खत्म कर देना चाहो। सबसे पहले जसू काका की भरपाई होनी चाहिए। फजूल बोल रही है सुमित्रा, मारी बेटी की भरपाई कौन कर पाएगा? काका थम तो छाती पे पत्थर रख लोगे, पर हम क्या करेंगे? अब मैं क्या बताऊं धनु, सरपंच मैं तो सोचता था कि किसी तरह गांव में शांति बनी रहे, पर अब तो पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। हम किस शांति की बात कर रहे हो काका? अरे इस गांव में शांति थी कब? पहले इन्होंने हमारी जमीनें छीन ली और अब हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। क्या बकवास कर रहा बे? हाँ? किसकी इज्जत लूटी है? किसकी इज्जत लूटी? अरे ठाकुर मारा मुंह खुल गया ना, थारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ठाकुर चुप कर, इन ठाकुरों की आंख में तो शर्म है नहीं, तू क्यों अपनी इज्जत खुद खराब करे है? अरे बहुत देख ली ठाकुरों की ठाकुर आई, आज फैसला हो के रहेगा। हराम के बीच माई टुकड़ों पे पले और मां नहीं आग दिखावे। माने डरता अगर धनु का मुंह खुल गया तो मैं गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अपनी धन दौलत और अपनी जात बिरादरी पे मन बड़ा गरूर था, अब क्या पता मरते वक्त किसके हाथ का पानी मिलेगा। तेरा बेटा नरपत भले ही न रहा हो पर आज भी तुझे पानी देने वाले हैं, अगर तूने पहचान सके तो। धन दौलत की इस दौड़ में आदमी अपनों को भी भूल जाता है। मित्रा ने तुम्हारे संग नाता राजी खुशी में नहीं जोड़ा था, पेट की मजबूरी में जोड़ा था और तुम ये बात जानते थे। तुम्हारे लिए मेरी जमीन छीनने और मेरी पत्नी छीनने में कोई फर्क नहीं था। आ गया, रहा न गया ना जोगी।
याद आ गई रम्भो की रोटी? गांव वाले भूल गए, तुम भाग गए, पढ़ाना ही पढ़ाना। मैं तो पहले ही आ जाता रम्भो। मुझे तो साधन का इंतजार था। हाँ, मैं तो जान गई थी कि तुम आओगे। जब मैंने उस छोरे को देखा ना, तब क्या नाम है उसका? जोरावर। हाँ हाँ वही, यही उसी सुखपाल का बेटा है ना? सावित्री की मौत के बाद वो भागकर मेरे पास आया था। अच्छा। कहता था साधु बन जाऊंगा। जैसे तुम बन गए थे। मैंने कहा कि ये उम्र साधु बनने की नहीं है। पहले संसार भोग, एक घर टूटा है तो दूसरा घर बसा, नई जिंदगी शुरू कर। तू नहीं आई कुएं पे? आऊंगी आऊंगी, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं भी आऊंगी। तू चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए रोटी लेके आती हूँ। बाबा, हमारी सत तो ठीक तो हो जावेगी ना? हाँ बेटी, अब उम्मीद तो हो चली, जरूर हो जाएगी। लेकिन बाबा, हमारी बच्ची को बीमारी क्या है? पुरखों के कर्मों की बीमारी है बेटी। मैं समझी नहीं बाबा। क्या नहीं समझी तुम? ये बच्चियां ही क्यों बीमार पड़ती हैं? औरत की जात इस कुएं जैसी ही है बेटी। लोग आकर गंद डालते रहते हैं और समय आने पर वो हाथ धो लेते हैं। बस यही हाल है औरत का। यहाँ लोगों ने औरतों के हक छीन लिए थे बेटी। हाँ, जब तक उन्हें वो हक नहीं मिल जाते, तब तक इस गांव को बेटियों का सुख कैसे मिल सकता है? अब तो जोगिया कुएं का मुंह खुल चुका है जोगी। अब शायद रम्मू शांति से मर सकेगी। अब निकला है असली गंध। बोलो सरपंच, ये किसका है? आप कहते थे बहुत साल पहले यहां कुछ हुआ था, क्या हुआ था बड़े ठाकुर? मुझसे मत पूछ जोरावर, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। हर बात को भुलाकर जिया नहीं जा सकता, कबूल करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन मैं ही क्यों बाबा? तूने हमेशा दूसरों को सामने रखकर मनमानी की है, कभी सरपंच का फर्ज नहीं निभाया। तू आज भी सरपंच है, जब वो हादसा हुआ था तब भी तू ही सरपंच था। आज तो अपने कर्मों की जिम्मेदारी कबूल कर ले। जिम्मेदारी?
जिस साल धनु की मौत हुई उसी साल गांव में सूखा पड़ा था। गांव के कुएं सूखने लगे थे, पानी ढूंढने के वास्ते हमने एक बनिया ओझा बुलाया था। इसको पानी का पता कैसे चलता है? पानी में बड़ी ताकत होती है बेटा, पानी अपना पता खुद बता देता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बनिया ओझा की बताई हुई जगह पे पानी ना मिला हो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पहले गडरियों के कुएं का पानी सूखा, अब ठाकुरों के कुएं का पानी भी सूखा। पर अगर एक ही कुआं मिला तो पानी का बंटवारा कैसे होगा? बेटा अगर पानी ने इस गांव को बांटा है तो पानी इस गांव को जोड़ भी सकता है। थाने ठीक ही कहा था, बढ़िया ओझा नहीं चुकता कभी। बोल सरपंच, आप कुएं की खुदाई कब शुरू करें? देख जस्सू, जल्दी का काम शैतान का हुए है, जल्दबाजी ठीक नहीं। सारा गांव परेशान है सरपंच, और ये तो और भी अच्छा हुआ कि पानी पंचायत की जमीन पर मिला है। अब तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए थाने। मानने का एतराज होगा, मैं तो हमेशा सबका भला ही चाहूँ। पर इस बाबत जीतू से भी तो बात करनी पड़ेगी। क्या जीतू का इससे क्या लेना देना? अरे भाई वही तो इस जमीन को जोतते है, बखेड़ेबाज आदमी है, कहीं उल्टा सीधा न कर बैठे तैश में। जीतू नहीं रहता के गाँव में? ए थम जरा, तकलीफ तो सबकी है ना, चार आदमी मिलके समझाएंगे तो मान जाएगा जीतू भी। मान जाएगा तो ठीक है, हमारा क्या है, हम तो गांव के साथ ही हैं। तो ठीक है फिर, चल के हम लोग मिलने में उससे। आओ भाई चलो। लो घर पे ही है। सुना तुमने जीतू ठाकुर, पानी मिल गया है? हाँ पता है माने जीतू, पानी वहीं मिला जहां थारा हाल चलता है। देख जस्सू, मैं भी कच्ची गोटी नहीं खेला, सब समझू वहां। क्या मतलब? मतलब थारी चालबाजियां, तुम सब गडरिये उस जमीन पे आंख लगाए बैठे हो। पहले उस जमीन पे बकरियां हकवा दी और उसके बाद भी कुछ नहीं मिला तो उस ससुरे पणिया ओझा को ले आए, वो भी तो तुम्हारी जात का है ना। हमारी जात का तो क्या हुआ, पानी तो उसने सबके लिए ढूंढा है ना, और फिर वो जमीन तो पंचायत की है। तो जाओ पंचायत के पास, मैं भी देखूं जरा कौन लेगा मुझसे वो जमीन। जीतू ठाकुर जरा समझ से काम लो। देख लिया समझ से काम लेकर, अगर उस जमीन पर कुआं खोदेगा तो वो ठाकुरों का होगा, थारा नहीं। जब आधा गांव प्यास से मर रहा होगा तब थम और थारे ठाकुर क्या चैन से रह पाएंगे? जरा होश से काम ले जीतू, गांव के साथ चलना सीख। भगवान करे मन सुजड़ जाए इन हत्यारों का, मारा बेटा मार दिया। सुमित्रा अब कैसा हाल है अम्मा का? क्या हाल होगा, धनु के जाने के बाद तो अब दिन ही काटने हैं बेटी। थारा क्या हुआ, मिला हर जाना? कहा सुमित्रा मरद रहानी, मैं अकेली औरत, मारे कोट सुनने वाला है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो बकरियों के साथ अकेले कहाँ कहाँ भटकेंगे। तू भले चुप करके बैठ जा गंगा, पर मैं नहीं बैठने वाली। क्या करेगी तू? मैं तो अपना हक लेके रहूंगी। मारा राजकुमार बेटा,
थारे लिए सरूप से बेनड़ी ले आऊंगी। साल भर सोगी मनाती रहेगी कि कुछ काम धाम भी करेगी। सोग तो जिंदगी भर का है ठाकुरानी सा, और दिया भी तो थारे ठाकुर सा ने है। मैं काम करने नहीं आई। काम नहीं करेगी तो पेट कैसे भरेगी? माँ ने अपनी फिकर नहीं है, ये जो हमारे पेट में पल रहा है उसकी फिकर है। कितने दिन ऊपर हो गए? ये तो थारे ठाकुर सा को पता होगा। ये भक्ति है? मैं बक नहीं रही हूँ, जो सच है वही कह रही हूँ। और सुनो ठाकरानी सा, मेरे मरद की भरपाई तो तुम कर नहीं सकते, पर अपनी औलाद का हक नहीं छोड़ूंगी मैं। छुड़ा छुड़ा, ये हैरान दादी क्या कह रही है? जाने किसका पाप लिए घूम रही है और थोप रही है हमारे सर पे। चल जा यहाँ से। जो सच था वो थाने बता दिया, और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर मेरी औलाद को हक नहीं मिला तो थारे से भी औलाद का सुख छिन जाएगा। पता नहीं क्या क्या खेल खेलते रहते हो खेत में। की नाम रखे है थाने बच्ची का? नाम तो आप ही रखो ठकुरानी सा। अरे सुमित्रा तू आ आ बैठ। अच्छा रज्जू, बच्चा छोटा है अभी, इसे ज्यादा देर खुली हवा में मत रख। मैं एक दो दिन में अच्छा सा नाम सोच के बताऊंगी। हाँ लो। अब बता, तू अपना ख्याल तो रख रही है ना बेटी? भगवान ने जो विपदा दी है वो तो सहनी पड़ेगी ना। अब तू अपना ख्याल नहीं रखेगी तो थारे बच्चे का क्या होगा? मैं जानू हूं थारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। तुम सारी बात नहीं जानो हो ठकरानी सा, ये उसका बच्चा नहीं है, ये लाखन ठाकुर की औलाद है। ये तू क्या कर बैठी बावली? मैं क्या करती ठकरानी सा, अम्मा को भूखे मर जाने देती? सब कुछ तो पहले हथिया लिया था ठाकुर ने, और कौन सी कसर बाकी थी? तो अब क्या करेगी तू? अब थारी उम्मीद है ठकरानी सा। हा? मुझे जो भुगतना है वो मैं भुगत लूंगी, पर इस बच्चे को तो हक मिलना ही चाहिए। हक? हाँ ठकरानी सा, मुझे भरपाई नहीं चाहिए, लाखन ठाकुर को ये बच्चा अपनाना होगा। पता है क्या कह रही थी? हाँ हाँ सुन लिया मैंने। क्या कह रही थी? ऐसी कमजात औरत का क्या भरोसा? कमजात है तो क्या, पर है तो औरत। अब इतनी बड़ी बात कोई औरत सबके सामने किस तरह कहेगी? तो क्या करूं मैं? तुम गांव के सरपंच हो, अब तुम ही इंसाफ दिलाओ ना। क्या इंसाफ दिलाऊं? उसको ले जाके लाखन के घर बिठा दूं, नाक कटवा दूं बिरादरी का? अब मैं क्या जानू थारी बड़ी बड़ी बात, पर एक बात जानू हूं, दुखियारी औरत की हाय बड़ी दूर जाके लागे है। ये तो तुम भी जानते हो कि जमीन तो पंचायत की है, पर उसे दबाए बैठा है जीतू ठाकुर। कुआ ठाकुरों का होगा और तुम कहते हो सबर से काम लो। जानू पण कौन? सुमित्रा बेटी इस वक्त आओ आओ, क्या बात है? तुम कहते हो तो सरपंच से मैं एक बार और बात करके देख लेता हूं। आ बेटी आ। क्या बात है, तू फिर से काम पर जाने लगी कि नहीं? काका अब मैं उस घर में काम नहीं करूंगी। काम नहीं करोगी तो फिर क्या करोगी?
अपना और अपनी अम्मा का पेट कैसे पालोगी? अपना और अपनी अम्मा का पेट मैं किसी तरह पाल लूंगी, पर मारे पेट में जो ठाकुर का बीज पल रहा है, माने उसका हक चाहिए। क्या? ये क्या कह रही है तू? लाखन ठाकुर? काका, थारे सामने पहली बार मुंह खोल रही हूं। मैं ठाकुराइन के पास भी गई थी, मैं धनु की भरपाई नहीं मांग रही, माने इस बच्चे का हक चाहिए। देख बेटी, ठाकुरों की बात तो मैं नहीं जानता, अरे जिनका धर्म कर्म ही ना रहा हो उनसे हक की अर्ज करेगी तू? हक तो तने अब ईश्वरी दिलाएगा, पर मैं अभी जिंदा हूं, आज से थारे बच्चे की जिम्मेदारी हरी। सरपंच जी हैं? सरपंच जी हैं? हाँ, ऊपर हैं बैठक में। राम राम भाभी सर। राम राम। आ जसुआ बैठ। देख सरपंच, आज मैं थारे से सीधी बात करने आया हूं। हमारी बस्ती के लोग प्यासे मर रहे हैं, पानी पंचायत की जमीन पर मिला है, कुआं थम खोदने नहीं दे रहे। देख भाई ना, कुआं तो हमारा भी सूख ही रहा है। इसीलिए तो कह रहा हूं, नया कुआं खोदने दे, सबकी मुसीबत दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगी या नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी? गांव में एक कुएं से पानी लिया कभी सबने? जब प्यासे मरने की नौबत हो तो क्या तब भी लोग एक कुएं से पानी भरने को राजी नहीं होंगे? भाई इसका फैसला तो पंचायत ही कर सके है। थम जाना हो सरपंच, पंचायत वही करेगी जो थम चाहोगे। तो तू भी अब यही कहेगा? ना भाभी साहब, अब कितना सबर करूं भाभी साहब, हमारी बेटी सावित्री के साथ जो हुआ वो थम जानो। लेकिन सरपंच, मैंने ये बात कभी नहीं उठाई, मैंने फत्तू की औरत के हर जाने की बात की, थम टाल गए। फिर धन्नू मारा गया, धन्नू की औरत के साथ क्या हुआ था ये भी थम जानो। पर तब थारी बिरादरी की इज्जत का सवाल पैदा हो गया, अब तुम कुएं की बात भी टाल रहे हो, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा सरपंच। देख जस्सू, धमकी तो तुम्हारे को दे मत, फैसला तो पंचायत ही करेगी, मैं तो सिर्फ गांव का सरपंच हूं। हाँ जानू सरपंच हो, पर सरपंच का धर्म भी कभी निभाया है तूने? ठाकुरों के अलावा किसी और का भी ख्याल किया है तूने? अगर ख्याल किया होता तो ये बिखेड़ा क्यों होता? और मारी एक और बात सुन ले, अपने कर्मों का फल तू इसी जोनी में भोगेगा। जसू धमकी देने वाला मानस नहीं है, हवा पानी पर तो सबका बराबर का हक है। मान लो मारा कुआ सूख जाता और उधर के कुएं में पानी होता तो तब हमें प्यासा मार देते? घर वाले नहीं मरते तो घर की फौज हो जाती, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। बेकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं। देखो, गरीबों की हाय लेना अच्छी बात नहीं है। अरे सुमित्रा, इस वक्त कहाँ जा रही है तू? पानी लेने। यहाँ कहाँ मिलेगा पानी तुझे? ठाकुरों के कुएं से। पागल हो गई है क्या? वो लेने देगा तुझे पानी? घर में एक बूंद पानी नहीं है, अम्मा प्यासी मरी जा रही है, देखती हूँ कौन रोकता है हमारे पानी लेने से। अरे कमजात, माटी जली, ये क्या किया तूने? हमारे कुएं को ब्रश कर दिया, चल यहाँ से, चल, छिना गएगी। बहू को मार के चैन नहीं मिला डायर, अब सबको मारेगी तू? आज मैं पानी लेके जाऊंगी। अरे देखती हूँ कैसे पानी लेके तू, चल यहाँ।
अरे क्या अंधेर है, गांव वालों मुझे कोई बचाओ, गांव वालों मुझे कुछ कोई बचाओ, अरे इसने मेरे कुएं को भर कर डाला, मुझे मार दो, घड़ा यहीं पे, नहीं तो क्या करा, अरे मैं फद्दू की बकरी नहीं हूँ जो मार डालेगा। केशम इतनी हिम्मत हो गई तेरी, अरे कुएं से पानी भरे, अरे जात खराब करे, सत्यानाश हो जाए तेरा, अरे भाइयों उठा के फेंक दो ठाकुर, ठाकुर ठाकुर ये अन्याय मत कर, आज तू भी नहीं बचेगा ठाकुर, मारो चला दो सबको, जीने दे चला दो, इसको भी जीने दे, इसको भी जीने दे। जस्सू की बात मान ली होती तो ये सब कुछ नहीं होता, बस तभी से लोगों ने इस कुएं से पानी भरना छोड़ दिया और धीरे धीरे इसको भूल गए। और तूने भी उन्हें भुला दिया, जिस समाज में मुखिया सिर्फ अपना और अपनी जात का भला सोचता हो उस समाज का कोई भविष्य नहीं होता। लोभ और नफरत की वजह से यहां लोगों के हक छीने गए, इसीलिए इस गांव की जीवन शक्ति जाती रही थी। तुम्हारी समझ में तब आती अगर तुम अपने धर्म का पालन करते। तुमने हमेशा सिर्फ अपनी बिरादरी की सोची जबकि तुम सरपंच थे पूरे गांव के। तुम्हारे अत्याचार के वजह से ही मुझे गांव छोड़ना पड़ा, लेकिन सावित्री की तरह तुम मुझे मार नहीं पाए। मैंने एक बच्ची को जन्म दिया था, जब तक उस बच्ची को हक नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारे गांव में एक भी बच्ची नहीं बचेगी। आ गई रमो, मेरा काम अब खत्म हुआ, आगे तू संभाल। रमो तुम? हां ठाकुर बीर सिंह, मैं। बहुत इंतजार किया है मैंने, बहुत बाट देखी है इस घड़ी की, इसे देख, ये उसी सुमित्रा की बेटी है जिसको तुमने और तुम्हारी बिरादरी ने हक नहीं दिया था।
इस लक्ष्मी के पैर धो ठाकुर, तभी सुमित्रा की आत्मा का तर्पण होगा, तभी इस कुएं से पानी निकलेगा। बेटी आ, मेरे पास आ। ठाकुर बीर सिंह, संभाल अपने गांव की बेटी। अब तू जो ठीक समझे वो कर। मैं भी भूखा ना रहूं
साधु न भूखो जा, मानुष जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरबर से फल छड़ पड़ा, बहुरी न लागे